आप देख रहे हैं वाराणसी पब्लिक न्यूज, मैं सुषमा सिंह। आज दिनांक 8/11/2020 को हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी के स्वतंत्र वीर सावरकर मंडल द्वारा राष्ट्रवादी पत्रकार अनिल गोस्वामी के समर्थन में कजाकपुरा चौराहे पर महाराष्ट्र सरकार का विरोध एवं उद्धव ठाकरे का पुतला जलाया गया। यह मानवर गोस्वामी के रिहा करने की मांग किया गया। इस अवसर पर मंडल प्रभारी सनी गुप्ता जी, महाराज मंत्री बाबू यादव जी, मंडल अध्यक्ष मनीष कुमार वर्मा जी, मंडल महामंत्री हिमांशु वर्मा जी, मंडल उपाध्यक्ष गोलू सेठ, आदित्य जी, मंत्री रोहित पांडे जी, अनीश मौर्य जी, मीडिया प्रभारी अतुल व्यास जी, वार्ड अध्यक्ष आशीष सेठ बच्चा जी व किशन मौर्य जी, शुभम यादव जी, शुभम जायसवाल जी, आशीष सेठ, भोला दीपक यादव जी, शिवांशु यादव जी, विक्की भारद्वाज जी, हिमांशु जायसवाल जी एवं संजय सोनकर आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। सनी गुप्ता वरिष्ठ महानगर उपाध्यक्ष स्वतंत्र वीर सावरकर मंडल प्रभारी हिंदू वाहिनी वाराणसी महानगर। सर, किस तरह का विरोध प्रदर्शन आप लोग किया? आज हम लोग स्वतंत्र वीर सावरकर मंडल के तत्वधान में, इसके मंडल प्रभारी हैं और हमारे मनीष जी हैं, इनके नेतृत्व में, हम लोग के मंडल के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र सरकार के जो कि बेगुनाह और राष्ट्रवादी चैनल हमारे रिपब्लिक भारत के संपादक महोदय अर्णव गोस्वामी को जबरन बंद कर दिया गया है, उसके विरोध में हम लोग का पुतला दहन किया है महाराष्ट्र सरकार। सर, विरोध प्रदर्शन कर रहे अर्णव गोस्वामी को रिहा नहीं किया गया तो आप लोग क्या करेंगे? आज तो हम लोग उतरे हैं सड़कों पे, जितने भी राष्ट्रवादी अपने हैं भाई, जो अपने विचारधारा के हैं, पूरे भारत में उतर आया है, उनको रिहाई होकर रहेगी और जब तक नहीं रहेगा हर जगह इसी तरह कार्यक्रम किया जाएगा। मैं मनीष कुमार वर्मा, हिंदू युवा वाहिनी वीर सावरकर मंडल अध्यक्ष। किस प्रकार का आज आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है? आज का ये प्रदर्शन अर्णव गोस्वामी के समर्थन में है। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार उनको एक राष्ट्रवादी पत्रकार होने के नाते उनको जो सजा और पीड़न कर रही है उसके लिए है। सर, आपकी विरोध प्रदर्शन मान लीजिए कहीं पत्रकार को नहीं छोड़ा अर्णव गोस्वामी, तो आप लोग क्या करेंगे? ये अगर नहीं छोड़ा जाता है तो ये यानी हर जिला में यानी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और जितने भी राष्ट्रवादी भाई हैं सारे सब सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ। सर, आप सरकार से क्या मांग करते हैं? अर्णव गोस्वामी को छोड़ा जाए और जिस तरीके से उनका अपमान किया गया है और पब्लिकली क्षमा याचना क्षमा मांगे तभी, ये हमारी मांग है महाराष्ट्र सरकार से। आप देख रहे हैं BPN न्यूज के YouTube चैनल को लाइक शेयर।